सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? सो फाइनली मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने आ चुकी हूँ। लाइक ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज हो चुके हैं कि मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था, क्योंकि सॉरी गाइस, क्योंकि मैं छोटी सी लिफ्ट पे गई थी। एंड गाइस, फाइनली स्किन केयर रूटीन आ चुका है, लाइक डे स्किन केयर रूटीन आ चुका है। एंड गाइस, फाइनली मैंने लॉरियल से एक अच्छा कॉम्बो मैंने लिया है, एंड बहुत दिनों से मुझे ट्राई भी करना था, पर कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा था। बट स्टिल मैंने आज बहुत टाइम निकाल के लाइक फाइनल प्रोडक्ट मैंने ले लिया है। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, यहाँ पे मैंने नायका से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम मैंने नायका से शॉप किया है, एंड दैट इज स्किन केयर। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। लाइक मैंने भी अभी तक देखा नहीं इसमें क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स आए हैं। सो फाइनली गाइस, मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है, सो लेट्स ओपन इट। सब एक पैकेज ऐसा कुछ आता है, एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लॉरियल का प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, एंड दैट इज स्किन केयर। सो हियर इट इज, लाइक मैंने दो पैकेट मंगाए थे। एंड गाइस, ये रिसेंटली नया लॉरियल का इंट्रोड्यूस किया है, सो लेट्स ओपन दिस। ओके सो गाइस, दिस इज डे क्रीम एंड दिस इज लॉरियल पेरिस हाइलोरोनिक एसिड डे क्रीम। This way it looks. And second जो है, this is L'Oreal Paris Revitalive Hydrating Gel and Cleanser. This is very interesting product, क्योंकि ये जो आप अगर ये आप यूज कर दिए एक बार, सो आपकी स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट होने वाली है एंड ग्लो प्रोवाइड करने वाले है, लाइक बहुत अच्छे से आप एक्सटर्नली ग्लो प्रोवाइड करेगा। Moving on to this cleanser, and that is L'Oreal Paris Revitalive Hyaluronic Acid, and this is hydrating gel cleanser. Guys, you can see this, and this is very lightweight to your skin. And today I'm going to show you the demo as well, skin as well, and it gives you plumpiness to your skin as well. So let's use this product. So I'm just going to take very little amount, and guys आप इसका consistency देख सकते हो, बहुत ज़्यादा creamy consistency है, so let's use this. Can you see the difference? Like बहुत soft हो चुका है मेरी skin, and it was very gentle to my skin. Like ये बिल्कुल harsh वाला cleanser नहीं है, ये बहुत ज़्यादा soft है आपकी skin पे, and ये बिल्कुल itchiness नहीं करने वाला है. So give a try to this cleanser. We are using this Revitalift 1.5 Hyaluronic Acid Serum, and this is very good product. Like ये वाला मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखा है, लाइक ये बहुत अच्छा क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन में बहुत अच्छा प्लम्पनेस एंड ग्लोइनेस मिलता है इस सीरम यूज करने के बाद। सो लेट्स ट्राई दिस। एंड गाइस, आप इसके पैकेजिंग के बारे में आप बात करोगे तो ये बहुत अच्छा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग वाला बॉटल है। गाइस यू कैन सी दिस, एंड इसके साथ आपको पंपिंग वाला ये आता है बॉटल, एंड इसमें आप देख सकते हो बहुत ट्रांसपेरेंट सा एक लिक्विडी बेस है इसमें, एंड दिस इज वेरी मच ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल। सो लेट्स यूज दिस, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वेरी लिटिल अमाउंट, बस 3 ड्रॉप मैंने यूज किया है।
सो पहले मैं थोड़ा सिरप कर रही हूँ अपने पाम पे एंड देन आई एम अप्लाइंग वेरी जेंटली. इफ यू डजंट फील एनी हैवीनेस ऑन योर फेस लाइक ये बहुत ज्यादा जेंटल है एंड बहुत रिलैक्सिंग फील देता है. बहुत प्लम्पीनेस मेरी स्किन में आ चुका है एंड इट इज वेरी सॉफ्ट टू माई स्किन. बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है गाइज. ये अगर आप दो बार यूज करोगे ना सुबह एंड शाम को सो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है. बहुत नेचुरल ग्लो मेरे फेस को मिल रहा है एंड गाइज दिस इज द फर्स्ट ट्रायल. लाइक ये मैंने बस फर्स्ट टाइम यूज किया है इस बॉटल को एंड लाइक इस सीरम को एंड इट इज इम्प्रेसिव. लाइक गाइज यू कैन सी दिस. मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. सो नेक्स्ट वी आर यूजिंग द डे क्रीम एंड दिस इज द प्लम्पिंग डे क्रीम. सो इसका जो टेक्सचर है गाइस यू कैन सी दिस. इसके साथ पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से आती है. So guys, this was my short review for this three product. If you like this product and if you want to buy, so I'm going to link it below in the description box. So do check it out. And this was my short review. So if you like this video, so what you have to do, like, share, as well as subscribe my channel and hit the bell icon too. So I will meet you on my next video. Till then, bye bye. Be happy, be safe. Love you guys. Bye.